शाहरुख खान ने किया रजनीकांत के गंजा लुक को कॉपी अपने फिल्म जवान में। दोस्तों अगर आपने भी जवान फिल्म्स का प्रीव्यू देखे हैं तो आपको तो ये पता ही होगा कि इसके काफी सारे सीन दूसरे फिल्मों के सीन से चुराकर बनाए गए, यानी कि कॉपी पेस्ट किए गए हैं। जी हां, सिर्फ रजनीकांत का वो गंजा वाला लुक ही नहीं बल्कि इसके अलावा और काफी सारे सीन ऐसे हैं जो कि इस फिल्म को दूसरे फिल्म के सीन से कॉपी करके बनाए गए हैं। दोस्तों बता दूं कि ऐसे ऐसे फिल्म से सीन को कॉपी किए गए जिसे जानने के बाद आप यकीन भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों लंबे समय से फैंस को शाहरुख खान की जवान फिल्म का ट्रेलर का इंतजार था, लेकिन उससे पहले मेकर्स ने प्रीव्यू वीडियो जारी किया जिसे फैंस ने खूब पसंद किया और फिल्म के प्रीव्यू ने लोगों के एक्साइटमेंट भी काफी हाई कर दिया है। दोस्तों जहां एक तरफ प्रीव्यू को प्यार मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे यूजर्स का यह भी कहना है कि इस फिल्म के कुछ कुछ सीन दूसरों फिल्मों से कॉपी है। दोस्तों जिस सीन में शाहरुख खान पट्टी बांधे हुए हैं लोग उसे फिल्म डार्क मैन से इंस्पायर बता रहे हैं, जो कि आप खुद इस वीडियो फोटो में देख सकते हैं। एक सीन में शाहरुख खान हाथ में राइफल लिए बैठे हुए नजर आए। उस सीन के बारे में ट्विटर यूजर्स का कहना है कि वो प्रभास की अपकमिंग फिल्म सालार से कॉपी है। बता दें दोस्तों कि शाहरुख खान का बोल्ड लुक भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। हालांकि ट्विटर पर कुछ यूजर्स का कहना है कि ये सीन रजनीकांत के शिवाजी द बॉस के लुक से कॉपी किया गया है, जो कि आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों जवान प्रीव्यू में एक सीन है जिसमें बच्चे को उठाते हुए दिखाया गया है, जिसकी तुलना यूजर्स बाहुबली के सीन से कर रहे हैं, जो कि आप खुद भी इस वीडियो फोटो में देख सकते हैं। शाहरुख खान का वो लुक भी खूब चर्चे में है जिसमें वो आधे चेहरे पर मास्क लगाए हुए दिखे। हालांकि ट्विटर पर कुछ यूजर्स इस सीन को साउथ के सुपरस्टार विक्रम की फिल्म अपरिचित के सीन से जोड़ रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जवान फिल्म की कुछ ऐसे सीन जो कि दूसरे फिल्म के सीन से इंस्पायर लगे, कॉपी इसे बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। वैसे दोस्तों जवान फिल्म में शाहरुख खान का कौन सा ऐसा सीन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही बॉलीवुड की न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।